सभी को जय मसीह की प्रभु आशीष दे। आप सभी को एक बहुत गहरी बात आपको बताना चाहता है प्रभु का आत्मा। आज बहुत से लोग दुष्ट आत्माओं से जूझ रहे थे, कोई बीमारी की दुष्ट आत्मा से, कोई कर्जे की दुष्ट आत्मा से, कोई गाली गलौज की दुष्ट आत्मा से, कोई मतलब जैसे कि कोई बातचीत करता है तो गालियाँ निकलती हैं मुँह से, और कोई इस प्रकार की दुष्ट आत्मा से जैसे कि कोई सोते सोते किसी को व्यभिचार आने लगता है, या कोई व्यभिचार की दुष्ट आत्मा से वैसे मतलब बहुत परेशान है कि वही मन हटाना चाहते हैं, गलत चीज़ें देखना नहीं चाहते लेकिन फिर भी फ़ोन चलाकर देखने लगते हैं। कई बार मन कर जाता है, कई बार देखने लग जाते हैं, कभी कई बार किसी से मांग लेते हैं। और इसी के साथ कई प्रकार ऐसी कई बार ऐसी भी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। इंसान आज परेशान है कि गुस्सा ना चाहकर भी, गुस्सा ना चाहकर भी ना माफी की बात है, झूठ निकल जाता है, दोष लगा दिया जाता है, ये बुराइयां करने लग जाते हैं, ये चुगली करने लग जाते हैं। किसी की चुगली हो जाती है झूठ की कमाई कमाना, या अपने आप को अच्छा दिखाना या घमंड करना, ये सारी दुष्ट आत्माएं हैं। ध्यान रखना, ये स्पिरिट ट्रांसफर भी होता है, एक से दूसरे में भी जाता है। और कई प्रकार की बहुत सी ऐसी दुष्ट आत्माएं थी जिसके द्वारा, जिसके साथ साथ इंसान बहुत जूझ रहा था। आज इंसान कभी कहीं से प्रार्थना करा रहा है, कभी कहीं से प्रार्थना करा रहा है, कभी किस दास के पास, कभी किस दासी के पास, कभी किस पास्टर के पास, कभी किस अपोस्टल के पास, कभी किस जगह, कभी कहां कहां फोन नहीं मिला दिया इंसान ने, लेकिन फिर भी छुटकारा नहीं मिल रहा। ये बहुत गहरी बात प्रभु का आत्मा आज आपको बताने जा रहा है। थोड़ा सा समय देना, आपकी जिंदगी आपकी भलाई के लिए है, क्योंकि आपको आपके हिस्से का खाना खाना पड़ेगा। अगर आप अपने हिस्से का खाना नहीं खाओगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। अगर मैं खा लूं तो मेरा पेट भरेगा, अगर आप अपने हिस्से का खाना नहीं खाओगे तो नहीं भरेगा। आपके हिस्से का खाना क्या है, इस वचन को सुनना, इसके अनुसार करना, और प्रभु से प्रार्थना के साथ अपने आप को रिपेंट करके, मतलब दिल से पश्चाताप करके एक नई शुरुआत करना। ठीक है, देखो प्रभु ने आपको और मुझे, हम सभी को अधिकार दिए हैं। देखो मैं आपको कुछ वचन बताना चाहूंगा, लिखा है यशाया 54:17 में कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं उसमें से एक भी मुझ पर सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर मुझ पर नालिश करें उन सबों से मैं जीत जाऊंगा। अगर आप यहेजकेल पढ़ो तो उसमें भी हम पढ़ सकते हैं। यहेजकेल शायद 51 पता नहीं 50वां अध्याय उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें वो अधिकार वो सामर्थ्य दिया है, परमेश्वर ने हमें अपना युद्ध के लिए वो हथियार बनाया है कि दुष्ट की जातियों को, दुष्ट की गंदी दुष्ट आत्माओं को जो किसी भी रूप में काम करती थी उनको हमें नष्ट करने का, खंडन करने का, जलाने का, भस्म करने का अधिकार है। लेकिन ये सब चीज हम यूज कैसे कर सकते हैं भाई? देखो कई बार ऐसा होता है कि भाई मैं प्रार्थना भी करता हूँ, आराधना भी करता हूँ, उपवास भी करता हूँ, लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है। ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी सही बात है, क्यों नहीं जा रही? इसका एक बहुत बड़ा कारण है, सब चीजों का एक निचोड़ है, प्रभु की आत्मा ने सिखाया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं मैं फायर प्रेयर भी करता हूँ, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता है, लेकिन फिर से दुष्ट आत्मा आ जाती है। इसका भी एक कारण है, क्यों आ जाती है? क्योंकि दुष्ट खड़ा रहता है ना द्वार के बाहर, क्यों खड़ा रहता है? क्योंकि दुष्ट का बाप अपने अंदर रहता था। दुष्ट का बाप क्या है? झूठ, चुगली, निंदा, फिरोट और विधर्म, ढा, मतवालापन, लालच, लोह, मोह और मदिरा, और एक दूसरे के अंदर बुराई खोजना, किसी की कमी निकालना, कड़वाहट रखना, कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, खुदा से लड़ जाना और पहला स्थान प्रभु को ना देना, संसार से प्रेम करना, अपने शरीर के अभिलाषाओं में जीना, ये शैतान का बाप है। इसको जब अपने अंदर रखते ना, मैं कह रहा हूँ किसी भी अभिषिक्त से प्रार्थना करा लेना, कुछ देर के लिए आपको आराम मिल सकता है, लेकिन जब अपने अंदर से ये शैतान का बाप, ये बुराइयां नहीं निकलेंगी ना, बुराई के काम नहीं निकलेंगे, तब तक पूरा छुटकारा नहीं हो सकता। भले ही थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाए, शैतान घर के बाहर खड़ा हो सकता है, लेकिन जैसे ही मुंह से झूठ निकला वैसे ही वो अंदर। ध्यान रखना, क्योंकि शैतान झूठा है और वो झूठ का पिता है। जैसे ही झूठ बोला तो शैतान अंदर। समझने की कोशिश करना, ये बहुत गहरी बात है। आज हम बड़े बड़े उपवास रख रहे हैं, बड़े बड़े चमत्कार हम देखते भी हैं, हमारे लाइफ में हो रहे हैं, लाइफ के द्वारा दूसरों के जीवन में भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई दूसरों की जिंदगी में चमत्कार हो रहे हैं लेकिन मेरी जिंदगी में क्यों नहीं हो रहे? क्यों नहीं हो रहे? इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है। क्यों भाई? देख, मैंने दूसरों के व्यभिचार के लिए प्रार्थना कर दी है लेकिन मेरा व्यभिचार नहीं जा रहा है। दूसरा व्यभिचार से आजाद हो चुका है लेकिन मेरा व्यभिचार नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है भाई? दूसरे वाले बंदे ने तो छुटकारा पा लिया, दूसरी बहन ने, भाई ने छुटकारा पा लिया, लेकिन तेरा क्यों नहीं जा रहा है? तेरा समर्पण और जो तेरे अंदर जो शैतान का बाप था ना, उसको निकालना जरूरी है। तेरा समय शैतान बर्बाद कर रहा, तुझे नहीं मालूम है? फोन के द्वारा जितना फोन का यूज तेरा है, क्या तू उतना कर रहा है? इसको सोच, जितना फोन का यूज तेरा है, क्या तू उतना कर रही है? ये फालतू के एप्लीकेशंस चलाने से और फालतू की चीजें देखने से, उनको सुनने से, क्या तेरा कॉन्सेंट्रेट खुदा की ओर से नहीं हटता? और जैसे ही खुदा की ओर से हटता है, वैसे ही शैतान पकड़ लेता है। शैतान तो द्वार के बाहर खड़ा है, उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको खटखटा के बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, बुलाने की जरूरत यीशु को पड़ती है। जब भी तो वो कहता है मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि शैतान तो तेरे अंदर है, झूठ तेरे अंदर है, व्यभिचार की बातें, व्यभिचार की आंखें, तू जिनसे अपनी आंखें सेकता है वो व्यभिचार के काम तेरे अंदर है, उनको निकाल। जब भी मैं आऊंगा, मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि तू द्वार खोलेगा, खोलने के साथ साथ अपने अंदर से अपना मैल निकालेगा, बुराइयों को निकालेगा, दिल से पश्चाताप करके मेरे पास आएगा,
तेरी दुष्ट आत्माओं से आजाद मैं तुझे करूंगा घर बैठे बैठे। मेरे भाई और बहनों, बहुत से लोगों ने दुष्ट आत्माओं से आज़ादी घर बैठे बैठे पाई, ये सच्ची गवाहियाँ हैं। ऐसे अनुभव हमारे पास हैं, दूसरों की जिंदगियों से प्रभु ने सिखाया है, दिखाया है, समझाया है। क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है? जब इंसान अपने आप को बुराई से अलग करता है और छोड़ने का निर्णय कर लेता है और पवित्र आत्मा की मदद मांगता है कि पवित्र आत्मा मेरी मदद करो इन बुराइयों को छोड़ने में, और एक निश्चय कर लेता है इस बात का कि हाँ प्रभु, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने का कि मेरे से गलतियां ना हो, मेरी मदद करना। तो उस समय जब रिपेंट करके, जब बुराई से बैर करना या गलत कामों से दूर होना या गलत संगति से, गलत विचार से, गलत काम से, गलत शब्दों से, गलत फोटोज, वीडियोज, एल्बम से जब अपने आप को दूर करते हैं ना धीरे धीरे, तो उसी समय से हमारे जीवन में छुटकारा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। वो पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। लेकिन शैतान खदेड़ना चाहता है, शैतान को पता है ये इंसान अपने आप को बुराई से दूर रख रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से मैं इसको फंसाऊंगा। अगर आप अपने आप को व्यभिचार से दूर रख रहे थे तो आपको झूठ बुलवाने में फंसा सकता था, किसी के द्वारा झूठ बुलवा सकता है, कोई भी परिस्थिति क्रिएट कर सकता है। अगर आप झूठ से बचना चाहते हो तो वो आपको गाली गलौज में फंसा सकता था। अगर आप गाली गलौज से बचना चाहते हो तो आपको गुस्से में फंसा सकता था, गुस्सा करवा दी, गुस्से के द्वारा हत्या, गुस्से के द्वारा झूठ बोलना, या गुस्से के द्वारा गाली गलौज, गुस्से के द्वारा किसी पर हाथ उठाना, गुस्से के द्वारा कुछ भी ऐसा बर्ताव कर देना या नुकसान कर देना। अगर आप गुस्से के द्वारा, गुस्से की दुष्ट आत्मा से बचना चाहते हो तो लालच में फंसा सकता था। तो शैतान बहुत चालाक है, इस बात का ध्यान रखना। लिखा है शत्रु को अपने से कमजोर मत समझो। अगर आप दुष्ट आत्माओं से आजादी पाना चाहते हो तो मेरे भाई और बहनों, आपको अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं दुनिया का कितना भी अभिषेक बड़ा पास्टर आ जाए, लेकिन अगर आप अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हो तो वो दुष्ट आत्मा फिर से अटैक कर सकती है, और जब वो अटैक करेगी तो अपने साथ साथ और गंदी दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। ऐसा वचन कहता है अधूरा सुधार, ये अधूरा सुधार है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं निवरण प्रभु का आत्मा कहना चाहता है, हमें अपने हिस्से का काम करना जरूरी है। आप उपवास रखो इस बात का, प्रभु मेरे अंदर जो झूठ बोलने की गंदी आत्मा काम कर रही थी, प्रभु आज मैं उपवास रखता हूँ, आज पूरे दिन मुझसे झूठ ना निकलने पाए, मेरी मदद करना कि मेरे मुझसे झूठ ना निकले, ऐसी कोई परिस्थिति ना बने। अगर बन भी रही थी तो मैं सच बोलूं, चाहे नुकसान हो रहा था, मुझे पता है आप नुकसान की भरपाई करोगे। मुझे पता है जब मैंने आपके वचन को इज्जत दी है, अगर मैंने सच बोल दिया, चाहे नुकसान हो रहा था, चाहे कोई विरोध में खड़ा था, तो प्रभु आप मेरे नुकसान की भरपाई भी करोगे, जो मेरे विरोध में होते वो फेवर में भी करोगे, मुझे आशीष भी दोगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, झूठ नहीं बोला। चाहे भले ही आपको लग रहा है शुरुआत में नुकसान था, लेकिन परमेश्वर की जब आपने इज्जत करी है, वचन की इज्जत करी है, तो आप जब आपका उपवास परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगा, और जब ग्रहण योग्य होगा तो आपकी जिंदगी ना बदले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। जब आप परमेश्वर के वचन को इज्जत देते हो, खुदा के अगुओं को इज्जत देते हो, खुदा के कलाम को इज्जत देते हो, खुदा के प्रेजेंस को इज्जत देते हो, उसके वचन की एक एक बात को इज्जत देते हो, तो खुदा आपका आदर क्यों ना करेगा? क्योंकि जो आप बो रहे हो वो काटोगे। आप अच्छा बो रहे हो तो अच्छा काटोगे, और शैतान नहीं चाहता कि आप अच्छा काटो, इसलिए आपको किसी ना किसी बुराई के कामों में फंसा देना चाहता था। देखो, एक बहन है, वो बहन मेरे से बोल रही है, भैया मैं प्रार्थना करती हूँ, उपवास करती हूँ, और मैं चर्च भी जाती हूँ, मैं तो इस वाली मिनिस्ट्री में होया ही, मैं उस वाली मिनिस्ट्री में होया ही, मेरा पति नहीं बदल रहा, और इसके साथ साथ पास्टर जी मेरे अंदर से व्यभिचार की गंदी आत्मा नहीं जा रही है, पास्टर जी मैं क्या करूं, मैं मतलब गलत और गंदे गंदे सपने आते हैं, पास्टर जी मैं क्या करूं, मेरे मुंह से गालियां निकल जाती हैं, मैं गुटखा और खैनी खाती हूं, पास्टर जी ये गंदी बातें क्या छूटेगी, जब मैं चलती फिरती तो मेरे मुंह से कभी कभी गाली निकलती है, पास्टर जी मैं दुष्ट आत्मा से कैसे छुटकारा पाऊं, पास्टर जी मेरी तबीयत खराब होती जा रही थी, बीमारी होती जा रही थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अपने अंदर बुराई को रखा है। लिखा है ये शरीर तेरे पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो इसे नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा, साफ लिखा है वचन में। तो शैतान चाहता है कि मनुष्य को उसके शरीर पर मन लगा के शारीरिक अभिलाषों को पूरा करने के लिए उसकी जुबान पर ऐसा नियंत्रण करे कि उसके शरीर खराब हो जाए, समझना। जैसे कि आपको बताया कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। चाहे भले ही आपके जीवन में मेरी बहन कितनी भी गंदी दुष्ट आत्माएं थी, अगर आपकी जुबान आपके नियंत्रण में है ना, अगर आपकी जुबान आपके नियंत्रण में है, कब्जे में है, और उसको आप कंट्रोल कर रहे हो कि आपके मुंह से कोई छल की बात नहीं निकल रही, दोष की बातें, बुराई की बातें, कमी की बातें, या गाली गलौज की बातें, या ना माफी की बातें, या ढिटाई की बातें, या जलन की बातें, या ढा की बातें, या मतवालेपन की बातें, कोई फालतू के मजाक और निकम्मे व्यर्थ और हंसी ठट्ठे वाली बातें नहीं निकल रही हैं, तो उस समय आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए परमेश्वर के आगे खड़े हुए हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को बुराई से हटा रहे हो, तो खुदा के स्वर्गदूत और खुदा आपको देख रहा है, और जब वो देख रहा है आपको कि मेरी बेटी देखो कितना चाहकर भी इसने अपनी जुबान पर नियंत्रण ना चाहकर भी इसने अपने मुंह से गलत नहीं बोला,
ना चाह मतलब चाहने के बाद भी इसको सताया जा रहा था, बुराइयां की जा रही थी, लेकिन फिर भी इसने अपने मुंह पर चुप्पी लगाई, इसने दोष नहीं लगाया, इसने कमियां नहीं निकाली, इसने अपनी सफाई नहीं दी, इसने चुप्पी लगा कर रखी। तो उस शब्द बोलने उस समय जब वो बहन अपनी जुबान पर जब वो नियंत्रण करती है उन गलत बातों के लिए, तो उसके शरीर में काम होता है, और जब शरीर में काम होता है तो वो सब प्रकार की खैनी, गुटखा, बीमारी, तकलीफें और सब प्रकार की समस्याओं से वो आज़ादी पाएगी। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई भी मसीह व्यक्ति अपने शब्दों को परमेश्वर के वचन के अनुसार कहे, प्रभु के वचन के अनुसार सही शब्द बोले। शैतान नहीं चाहता, शैतान यही चाहता है कि मैं मरूं, मैं कटूं, मैं फटूं, मैं जलूं, मैं नष्ट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, या मैं बीमार हूं, मैं लाचार हूं, मैं परेशान हूं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ, मेरा पति नहीं बदल रहा, मैं नहीं बदल रही, मेरी बीमारी नहीं जा रही, और मेरे विचार ऐसे हैं, मेरे विचार वैसे हैं, मेरा काम नहीं चल रहा। शैतान यही चाहता है कि बार बार ये बोलें। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे गलत शब्द, और शैतान मुंह फाड़े द्वार के बाहर खड़ा है कि कब किसको फाड़काए। और जब इन ये परिस्थितियां क्रिएट होती तब इंसान के मुंह से गलत शब्द निकलना शुरू होते हैं, और जैसे ही गलत शब्द निकलते हैं तो एक श्राप का रूप ले लिया करते थे। कैसे? अगर एक ही बात को आप बार बार बोले जा रहे हो, एक ही बात को बार बार बोले जा रहे हो कि मेरी जिंदगी खराब हो गई, या बोले जा रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, आए दिन आप बोल रहे हो कोई परिस्थिति ऐसी आ गई है, शैतान ने आपको गड़बड़ा दिया, तो बार बार एक ही शब्द बोले जा रहे हो, मेरा पति नहीं बदल रहा है, पी कर आता है, लड़ाई करता है, या मुझे बुद्धि नहीं है, या मैं ये हूँ, बीमार हूँ, सो बातें, ऐसे गलत शब्द बोल बोलकर शैतान की गंदी दुष्ट आत्माओं को अपने ऊपर और हावी करता है इंसान। और हावी करने के कारण है ना, मैं कह रहा हूँ कितने भी बड़ी अभिषेक से प्रार्थना करा लो, लेकिन जब तक अपने शब्द नहीं सुधरेंगे, जब तक हमारे काम ठीक नहीं होंगे, जब तक हम बुराई से बैर नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक छुटकारा नहीं पा सकते। अगर खुदावन यीशु भी सामने आकर खड़ा हो जाए, सर पे हाथ रख देना, अगर हमारे तब भी शब्द गलत हैं या किसी मनुष्य पर भरोसा रख रहे कि वो दास प्रार्थना कर देगा तो छुटकारा होगा, तब भी काम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपने हिस्से का काम करना जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, देखो आपको उदाहरण बताना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने एक अंधे को देखा, आप बाइबल पढ़ सकते हो, अंधे को देखा यीशु मसीह ने, उस अंधे को यीशु मसीह ने अंधा नहीं कहा। अगर आप पढ़ो तो आप समझ पाओगे। लोग कह रहे हैं कि प्रभु यीशु वो अंधा है, लेकिन यीशु ने उसको अंधे को अंधा नहीं कहा। यीशु ने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि तू देखने लग। वो देखने लगा, और एक और अंधे को देखा यीशु मसीह ने। हुआ क्या कि वहाँ के लोग चेले कह रहे प्रभु इसके जीवन में किसका श्राप है, किसका पाप है, किसका पाप इसके ऊपर बीत रहा है, किसका श्राप इसके ऊपर आ गया था। यीशु कह रहे हैं नहीं, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, इसके ऊपर किसी का श्राप, किसी का पाप नहीं आया, ये किसी की गलती नहीं भोग रहा है, लेकिन ये परमेश्वर की महिमा के लिए है, देख। और चेले कह रहे थे ये अंधा है, लेकिन यीशु ने एक बार भी अपने मुंह से नहीं बोला कि तू अंधा है। यीशु वहां पर गया, यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है? उसने कहा कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। अच्छा, तू देखना चाहता है? तो यीशु मसीह ने मिट्टी ली, उस पर थूका, उसको मला, मिक्स करा, एक औषधि बनाई यीशु मसीह ने मिट्टी से, आयुर्वेदिक औषधि बनाई। फिर उसके बाद उसको उसकी आंखों पे लगाया। ध्यान रखना, उस बंदे ने अपने हिस्से का काम कैसे किया? यीशु मसीह ने तो अपना हिस्से का काम कर दिया, आंखों पे लगा दिया, और यीशु मसीह ने एक बात बोली उसको, जा शिलो के कुंड में धो ले। एक कुंड था जिसको शिलो कहा जाता है, शिलो मतलब भेजा गया, जिसमें स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे और जो पहला जाता था वो छुटकारा पाता था। तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि जा शिलो के कुंड में धो ले। अब यीशु मसीह ने उसको जब बोला तो चंगाई उस समय नहीं आई थी। यीशु मसीह ने उसकी आंखों में मट्टी लगाई, चंगाई तब नहीं आई थी। उसकी आंखों में चंगाई तब आई थी जब वो जाकर अपने हिस्से का काम करके अपने मुंह को धोने के लिए कुंड के पास गया, पानी को लेकर मुंह को धोया, एज इट इज उसने किया, और लिखा है वो देखता हुआ लौट आया। तब उसकी जिंदगी में उस चमत्कार हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने हिस्से का काम किया। ताली दो हाथ से बजती है मेरे भाई और बहनों, एक हाथ से नहीं बजती है। यीशु ने अपने हिस्से का काम किया और उस अंधे ने अपने हिस्से का काम किया, तब वो देखने लगा। और इसी तरीके से यीशु मसीह ने कहा, वहां पर एक 38 वर्ष का रोगी था शिलो के कुंड के पास। प्रभु ने कहा कि तू क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शिलो के कुंड में कोई मुझे उठाकर डाल दे। क्यों? क्योंकि 38 वर्ष से वो यही सोचा था कि कोई भाई आएगा, कोई बहन आएगा, कोई दास आएगा, कोई अगुआ आएगा, मुझे उठाकर डाल देगा, या मेरे को चंगा कर देगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा। 38 वर्ष हो गए थे दूसरे पर भरोसा रखते रखते, 38 साल जमीन पर पड़े पड़े उसको कोड़ में, सोचो। क्यों? क्योंकि मनुष्य पर भरोसा रखा, लेकिन जैसे ही खुदा की आज्ञा का उसने पालन किया, यीशु ने कहा उठ, खड़ा हो, अपनी खाट उठा और चल। फिर उसी समय उसने अपने हिस्से का काम किया।
जैसे ही उसने अपने हिस्से का काम क्या किया, उसने अपनी कोहनियाँ मोड़ी, उसने अपनी कमर तिरछी करी, घुटने मोड़े, धीरे धीरे करके उसने मोड़, जैसे जैसे मोड़ता गया वैसे वैसे अपने अंदर चंगाई को देखता गया। उसने महसूस किया, अरे मेरे हाथ तो मुड़ते नहीं थे, मुड़ रहे हैं। उसने और मोड़ा, खुश होता गया, धीरे धीरे घुटने मोड़े, कमर सीधी करी, तिरछी करी, फिर घुटने के ऊपर उठा, धीरे धीरे करके उठा, उठने लगा, फिर वो खुश हो गया। कैसे? उसने अपने हिस्से का काम किया। काम क्या था? सही अंगीकार और जो बोला गया उसको एज इट इज कर लेना, जैसा बताया गया वैसा कर लेना। तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आज कहना चाहता है कि शैतान तुझे छू नहीं सकता क्योंकि तूने मुझे पहन रखा है। तू अपने अधिकारों को, अपने हथियारों को ही भूल गई है मेरी बेटी। तुझे ये इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा है। तू तलवार तो चला रही लेकिन खाली खाली चला रही है, हवा में चला रही है। उसको शत्रु पर चलाने के लिए तुझे समर्पण चाहिए। समर्पण क्या? अपने शब्दों का सही ध्यान रखना है और इसी के साथ साथ जो पाप के काम है उन शैतान के बाप को अपने अंदर से निकालना है। वो गलत शब्द, गलत विचार, गलत काम, गलत वो व्यवहार जब तक तू अपने अंदर से नहीं निकालेगा, जब तक तू अपने अंदर से नहीं निकालेगी तब तक तुझे दुष्ट आत्मा से आज़ादी नहीं मिल सकती। चाहे भले ही कुछ पल के लिए मिली भी जाए, लेकिन जैसे ये बुराई बोलना ये दोबारा से शुरू होती है तो दुष्ट आत्मा फिर से अटैक करती थी। तो इसका छुटका, इससे छुटकारा पाने का एक ही रास्ता है। सबसे पहले दिल से पश्चाताप, दूसरा सिर्फ प्रभु की ओर ताकना, प्रभु की ओर ताकना, ना कि किसी दास दासी अगुए विश्वासी की ओर कि वो प्रार्थना करेगा तो हो जाएगा। अरे भाई, वो भी प्रार्थना उसी खुदा से करेगा। इसीलिए कि आपको खुदा ने नहीं कहा कि तुम उससे मांग, आपको भी तो कहा है, तो आप मांगो, लेकिन मांगने के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों को समझना है। तो मेरे भाई और बहनों, एक यही तरीका है दुष्ट आत्माओं से आज़ादी पाने का कि हमें अपने अंदर की बुराइयों को, कमियों को निकालना ज़रूरी है। जब तक उस बुराइयों को, उस कमियों को नहीं निकालेंगे, चाहे शब्द के बोलने के द्वारा कोई कमियां थी कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या किसी के साथ गलत व्यवहार करना, किसी घर में लड़ाई करा देना जुबान के द्वारा, जैसे अब मैंने जैसे अभी आपको बताया आत्मा ने कि कोई बहन है उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है, कोई भाई है उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि उसके शब्द गलत हैं। वो दूसरे के अंदर कमी निकालने के लिए कोई कोई समय नहीं है उसका। कमी निकालना बंद नहीं होता है। दूसरे की चुगली करना, दोष लगाना, बुराई करना, कमी निकालना, या हंसी रट्टा करना, अनादर करना, गाली गलौज करना, पति का अनादर करना, या वचन पर वचन के अनुसार ना चलना, बहुत सारी ऐसी। लेकिन फिर जब वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित होती है, जब हालत खराब हो जाती है, जब बीमारी आती है, तब कहती है हाय हाय हाय, प्रभु के दास को बुलाओ, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ। वो कहता भाई पास्टर को फोन मिलाओ, इसको मिलाओ, उसको मिलाओ। फिर पास्टर प्रार्थना कर देता है ऑन द स्पॉट, थोड़ा छुटकारा हो तो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा से हाय हाय क्यों हो गया, क्यों हो गया, मेरे प्रार्थना तो करी थी, अब फिर तो यीशु तो चंगा करता ही नहीं है। अरे यीशु चंगा कैसे करेगा भाई, अपने हिस्से का भी तो काम करना होता है। दुष्ट आत्मा क्यों घिर रही है दोबारा से? प्रभु ने वचन में साफ कह दिया तुमने मुझे पैर रखा है और शैतान तुझे छू नहीं सकता, लेकिन छू रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी थी आज्ञा पालन में। इस बात को समझना जरूरी है। दास ने अपने हिस्से का काम कर दिया, यीशु ने अपने हिस्से का काम कर दिया, लेकिन उस चंगाई को हम पूरी तरीके से पा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हमारे शब्द गलत है, विचार गलत है, काम गलत है, व्यवहार गलत है। हमने किसी को माफ़ नहीं किया है, क्षमा नहीं किया है, दया नहीं किया, अनुग्रह नहीं किया है। हम दूसरों से भलाई की इच्छा रखते हैं लेकिन दूसरे सामने वाले के साथ भलाई नहीं कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी गलतियां हैं जिसके कारण दुष्ट आत्मा को थोड़ा थोड़ा मौका मिलता था और धीरे धीरे करके नखून के चक्कर में पूरे शरीर पर कब्जा कर लेती थी। शैतान को थोड़ा सा बस एक नखून चाहिए, वो जगह अपने आप बना लेता था। मेरे भाई और बहनों, शैतान को बुलाना नहीं पड़ता, यीशु को बुलाना पड़ता है। इसलिए आज यीशु द्वार के बाहर खड़ा है, तभी दुष्ट आत्माओं ने घेर रखा है। अगर आज आप चाहते हो कि दुष्ट आत्माओं से आज़ादी पाएं, तो सबसे पहले उपवास के साथ, चाहे आधे घंटे का, चाहे एक घंटे का, चाहे 15 घंटे का, चाहे 6 घंटे का, जैसे आपको मन करे, 24 घंटों में से 7 दिन में से कभी भी आप उपवास रख सकते हो। इन बातों के लिए सेपरेटली उपवास रखो कि आज का उपवास मैं इस बात के लिए रखती हूँ, इस बात के लिए रखता हूँ जो मेरे अंदर कमी है इसको निकालने के लिए। जैसे जैसे आप उपवास रखते जाओगे वैसे वैसे आप आत्मा में बढ़ोगे, वचनों में बढ़ोगे, प्रकाशों में बढ़ोगे, सामर्थ्य में बढ़ोगे और सब प्रकार से छुटकारे में होगी। आपके अंदर दुष्ट आत्मा निकल जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि आपने अपने अंदर से बुराइयों को निकाला है। जैसे जैसे बुराई निकलती जाएगी वैसे वैसे पवित्रता, सच्चाई, खराई और सामर्थ और परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता रहेगा। ध्यान रखना, क्योंकि एक कुर्सी पर एक ही जना बैठ सकता है। आपकी मन की कुर्सी पर कौन बैठा है? यीशु तो बाहर खड़ा है। मन की कुर्सी पर क्या बैठा है? विचार। कौन से विचार है? व्यभिचार, लड़कीबाजी, गाली गलौज, ठट्टा, हंसी मजाक, झूठ, चुगली, निंदा, फूट, विरोध और विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, लालच, डिटाई, ना माफी की बातें, किसी से क्षमा, किसी को क्षमा नहीं करना, ये सारी बातें, ये शैतान के सारे काम हैं। ये कौन? ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और ये अगर ये कुर्सी पर बैठे हैं तो यीशु किसी की गोद में नहीं बैठेगा। यीशु द्वार के बाहर खड़ा है और यीशु को अंदर लाने के लिए पश्चाताप चाहिए और यीशु को कुर्सी पर बिठाने के लिए हमें अपना पूरा समर्पण चाहिए। इस बात का खासकर ध्यान रखना मेरे भाई और बहनों। हमें उन चीज़ों को छोड़ना ज़रूरी है, अपना क्रूज उठाना ज़रूरी है, क्योंकि लिखा है जैसा तो बोलेगा वैसा हो जाएगा। और एक आखिरी बात और कहना चाहता हूँ, अगर जो द्वार के बाहर खड़ा हुआ यीशु अगर आपके दिल में आ गया, तो यीशु जैसे ही आपकी मन की कुर्सी पर बैठेगा तो दुष्ट आत्मा को घुसने नहीं देगा, अगर आप आज्ञा पालन में चलते रहोगे तो।
क्योंकि लिखा है कि बीमारी, दुष्टता, कमी, घटी, परेशानी, समस्याएं, तकलीफें, ये सब प्रकार की रोग और विपत्तियां आएंगी तो सही, लेकिन लांग कर आगे निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि मेमना का लहू और यीशु मसीह की प्रेजेंस है, ध्यान रखना। क्योंकि मेमना कौन? यीशु मसीह। वो आपके कुर्सी पर बैठा है, आपके मन की कुर्सी पर बैठा है। तो शैतान आएगा तो सही, लेकिन आपके घर के अंदर, आपके मन के विचारों के अंदर घुस नहीं सकता, आपको छू नहीं सकता, बाहर ही बाहर निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो देख लेगा कि अंदर यहोवा का पुत्र बैठा है, मेरे भाई और बहनों। लेकिन अगर यीशु चला गया तो शैतान को बुलाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखना। प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।